फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, अब ये देखिए, सर पर टोपी और कपड़े मुसलमानों के पहनकर भीख मांग रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये कोई गलती कर दे और कोई गैर मुस्लिम भाइयों को कुछ बुरा भला कह दे तो यहाँ पर बदनाम मुसलमान ही होंगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में ये टोपी लगाकर, कुर्ता पहनकर और गले में हरा कपड़ा डालकर भीख मांग रहे हैं। तो एक शख्स ने इनको वॉच किया और देखा, फिर ये रोड पर ठहर कर खा रहे थे रमज़ान के महीने में, तो इनको शक आया और बुलाकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सारा किस्सा सामने आ गया, इसका नाम ये गैर मुस्लिम है। और इससे बात करते हुए जब सारी तफसीलात मालूम की तो पुलिस को तलब करके इस बहरूपिये को पुलिस के हवाले कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये भैया भीख मांग रहे थे, तीन लोग, एक बच्ची थी, एक आदमी और, ठीक है। तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कि इधर आओ, नाम क्या है तेरा? तो इन्हें बोला आजा, ठीक है, आजा। मैंने आधार कार्ड कहाँ है तेरा? तो इन्हें कि आधार कार्ड भैया पे, एक मिनट रुक। तूने बोला भैया के पास, मैं ही हम इससे मांगने गया तो वो आधार कार्ड के नाम पे बच्ची को लेकर तुरंत भाग रहा है। ये भी भाग रहा था, इसको पकड़ा मैंने, अब तू इधर आया साइड। मैंने इसको पहचान क्यों करा? रोजे के अंदर इस लिबास के अंदर आदमी बाजार में खाएगा नहीं, क्यों? रोजे चल रहे हैं और ये इस लिबास में खा रहा था, इसी वजह से बाद मेरे को लगा ये नहीं है मुसलमान। अब इसके अंदर क्या है, अभी ये कोई लड़की छेड़ दे बाजार के अंदर तो आदमी क्या समझेंगे कि मुसलमान था? चोरी कर ले तो आदमी क्या समझेगा मुसलमान था? सिर्फ इसमें समाज में बदनामी हो रही है ना। मैं अट्टा कट्टा है, तू पापा का नाम क्या है तेरे? जोर से बोल, जोर से। मुनेसर, और इनने फिर बता दिया कि मैं नहीं हूँ मुसलमान। पहले मुसलमान बता रहा था, फिर बाद में कह रहा है मैं नहीं हूँ मुसलमान। जब इस पर प्रेशर कराया आप सब लोग इकट्ठे हुए, अब जो इस टोपी को बदनाम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए इससे? टोपी हरा कपड़ा, हरा कपड़ा। अभी मैं टीका लगा लूँ, मैं कोई बाजार में लड़की छेड़ दूँ या चोरी करूँ तो क्या होगा? हिंदू था। अरे वो मार गया, तिलक वाला कर गया, तिलक वाला मार गया, हिंदू था। है अभी आड़ में भोसड़ी के टोपी की आड़ में, अभी करौली में झगड़ा हुआ इन जैसे लोग थे, वो इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जा भैया चल बैठ। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।